हेलो गाइस वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल और सबसे पहले मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मुझे यूट्यूब से एक नोटिफिकेशन आया जिसमें मुझे कॉन्चुलेशन मिली है क्योंकि मैंने बहुत जल्द सौ सब्सक्राइबर पूरे किए हैं और हमारी यूट्यूब फैमिली रेगुलर बढ़ती जा रही है सो आई अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच गाइज़ आपके सपोर्ट के बिना ये मैं नहीं कर सकती थी सो so, हम रीडिंग में चलते हैं आज मैं बहुत खुश हूँ और हम आज एक्पीरियस की लव लाइफ के लिए रीडिंग uh, करने वाले हैं सबसे पहले एक्वेरिस यानी कुंभ राशि की जो जनवरी माह में uh, जो जनरल रीडिंग है वो देखेंगे यानी कि ओवरऑल एनर्जीज देखेंगे कि उनकी जनरल लाइफ में क्या होने वाला है और उसके बाद हम देखेंगे कि उनकी लव लाइफ में क्या होने वाला है तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइज गाइज ये जनरल रीडिंग होगी तो आप सबसे रेजोनेट नहीं कर सकती लेकिन फिर भी बहुत से मैच करेगी आपसे तो सबसे पहले हम ओवरऑल एनर्जी देखेंगे, यानी कि आपकी जनरल लाइफ में क्या होगा उसके लिए कार्ड्स निकालूंगी उसके बाद हम लव लाइफ के बारे में बात करेंगे चलिए जनवरी माह में 2021 में क्या होने वाला है डिवाइन हमें बताइए जनरली कुंभ राशि वालों के जीवन में क्या होने वाला है जनवरी में वो हमें बताइए आपके ग ओके आई एम रेडी हूं फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ओके गाइस ऑफ हैंग मैन ओके नाइन ऑफ ओके गाइस तो सबसे पहले कुंभ राशि वालों के लिए जो जनरल लाइफ में क्या होने वाला है वो है ईसोवेंट्स का कार्ड आया है हमारे पास जो जनवरी के फर्स्ट टैंड डेज उसमें ईसावेंट्स का कार्ड आया है गाइस ये कार्ड बताता है कि आप कुछ नई शुरुआत करना चाहते हैं चाहे वो बिजनेस में हो चाहे जॉब में हो चाहे जनरल लाइफ में हो कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं आप नया और कुछ पीछे छोड़ना चाहते हैं किसी को छोड़ना चाहते हैं कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं आपके माइंड में ऐसी कुछ प्लानिंग चल रही है कि कुछ नया स्टार्ट किया जाए बहुत पैशनेट हो रहे हैं कुछ न कुछ नया अपने जीवन में चाहते हैं और एक नई उमंग के साथ स्टार्ट करना चाहते हैं कुछ लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो कि आपको फेस करनी पड़ेगी इस वॉन्ट्स का कार्ड ये बताता है कि जो नई बिगनिंग है आप उसे स्टार्ट करना चाहते हैं और कुछ उसमें सोच रहे हैं कि कहीं कही ना कहीं आपका भाग्य उसमें साथ देगा आप भगवान को मानते हैं और आप कहीं कही ना कहीं उसमें आपका भाग्य साथ देगा इस तरह की आपकी सोच है जो आप काम कर रहे हैं उसमें हंड्रेड परसेंट आपका लक्स आतेगा इस तरह की आपकी सोच है तो कुछ नया प्लानिंग कर रहे हैं और कुछ नया स्टार्ट करने की सोच रहे हैं जनवरी की जो टेन डेज है उनमें आपकी एनर्जी इस तरह की रहेगी जो मिडिल टेन डेज है उसमें आपकी एनर्जी कैसी रहेगी जो हैंगमैन बन जाएंगे राइज अब हैंगमैन का मतलब ये होता है कि कुछ हैंगमैन एक मेजर अरकाना होता है सबसे पहले तो इसका इफेक्ट आपके जीवन पर बहुत पड़ता है तो हैंगमैन की पोजिशन में जब इंसान आता है तो वो अपनी इच्छा से हैंगमैन बनता है मतलब पॉज आ जाता है जिंदगी में इन सब चीजों से ब्रेक लेना चाहेगा अपनी टेंशन से बाहर आना चाहेगा और एकांत एक में रहकर अकेला रहना चाहेगा एक्चुअली कार्ड अकेले का होता है अलून कार्ड होता है अलोन रह अपने आप को सोचता है अपने डीप फीलिंग्स को डीप विचारों को एनालाइज करता है और उसके बाद में जो डिसीजन लेता है वो डेफिनेटली पॉजिटिव होते हैं ये हैंगमैन का कार्ड हमें ये भी बताता है गाइस कि जो आप हैंगमैन हुए हैं मतलब आपने जो अपनी लाइफ में पॉज़ लिया है वो आप अपनी इच्छा से ले रहे हैं और उस पॉज में कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी है ये कार्ड ये भी कह रहा है कि चीज़ें अपने आप अनफोल्ड हुए तो अच्छा है मतलब चीज़ों को अपने आप आप अपने बहाव के साथ चलिए जो चल रहा है उसके साथ चलिए गॉड पे छोड़ दीजिए क्योंकि आप स्ट्रगल करेंगे तो और ज़्यादा दिक्कतें आपके सामने आएगी तो आपको कहा जा रहा है कि नो एक्शन का टाइम है कोई भी एक्शन ना लीजिए और बिल्कुल जैसी चीज़ें हो रही हैं उनको नेचुरली अनफोल्ड होने दीजिए तो कहा जा रहा है आपसे कहीं ना कहीं, कहीं कि जो आपकी ज़िंदगी है उसको ईजियर बनाने के लिए आपको कुछ अंतरात्मा से सोचना पड़ेगा और जो बिजनेस में है या जॉब में अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब करते रहिए हो सकता है कि आई आपके माइंड में नए जॉब की चल रही हो या नया बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो अभी जो हैंगमैन की पोजीशन है वो बता रही है कि एक्शन लेने का टाइम नहीं है आप जो कर रहे हैं उसी को चलते रहने दीजिए आपकी ज़िंदगी में जो हो रहा है वो उसको नेचुरली होने दीजिए उसमें स्ट्रगल या कुछ एक्शन लेने का टाइम नहीं है अभी गाइज और अभी शांत रहकर चीज़ों को सोचिए समझिए उसके बाद नेचुरली चीज़ें अनफोल्ड होती जाएगी और पॉजिटिविटी की ओर जाएगी द नेक्स्ट कार्ड यानी कि जो जनवरी का जो लास्ट मंथ है वो बता रहा है कि नाइन ऑफ शॉट्स आपको बहुत में रहेंगे आपको रातों को नींद नहीं आएगी थोड़े परेशान रहेंगे क्योंकि आपके सामने रिजल्ट नहीं आएंगे अभी तक हो सकता है जनवरी में आपके लिए ये रहेगा कि कुछ ना कुछ ऐसा रहेगा आपकी दिक्कतें सामने आएगी चैलेंजेस आएंगे जो आप सोच रहे हैं उस डायरेक्शन में चीज़ें नहीं जाएंगी तो आपको थोड़ा सा तकलीफ भरा टाइम है और आपको सोचने की जरूरत है कि क्या करना है और आपको रातों को नींद नहीं आएगी हो सकता है इस कार्ड का दूसरा मतलब ये भी होता है क्योंकि हमारे मिडिल पार्ट में हैंगमैन आया है तो हैंगमैन के बाद जब इंसान उठता है यानी कि हैंगमैन की पोजीशन से बाहर आता है तो पॉजिटिविटी लाता है लेकिन मुझे यहाँ पे हेल्थ इश्यूज ज़्यादा लग रहे हैं गाइस आपको कुछ हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं नाइन ऑफ शॉर्ट्स का कार्ड जहाँ एंगजाइटी को बताता है वहाँ पे हेल्थ इश्यूज़ को भी बताता है हो सकता है कि आपकी हेल्थ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाए हो सकता है कि आपके जो जनवरी की लास्ट टेन डेज है उसमें आपको दर्द हो कुछ बुखार हो इस तरह की चीजें आपको परेशान करेंगी और उसी से आपको रातों को नींद नहीं आएगी और कुछ ना कुछ टेंशन में भी आप रहेंगे तो ये हो गई जनरल एनर्जीज अब हम देखेंगे आपकी लव लाइफ लव लाइफ में क्या होने वाला है ओके गाइस हेलो गाइस तो हम आप लव लाइफ देखेंगे जनवरी में कि आपकी जनवरी में लव लाइफ कैसी होगी ओके okay गाइस तो हम स्टार्ट करते हैं अच्छे से शफल कर लेते हैं कि आपकी लव लाइफ जनवरी में कैसी रहेगी ओके okay? जब तक मैं शफल कर रही हूँ आप अपने इस देव को याद कीजिए जिनकी आप आराधना करते हैं और अपनी पार्टनर को याद कीजिए जो भी आपके पार्टनर है चलिए हम देखते हैं आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है डिवाइन हमें गाइड कीजिएगा प्लीज़ एक्विरीस की लव लाइफ में जनवरी माह में क्या होने वाला है ओस एक्सक्यूज मी गाइस मेरा गला खराब हो रहा है सो प्लीज केयर विद मी चलिए आई एम रेडी नाउ तो ये सेंट्रल कार्ड है आपका नाइन ऑफ पेंट ओके नेक्स्ट हमारे सामने व्हाट इज इन योर हैंड मतलब आपके माइंड में क्या चल रहा है ओके व्हाट इज इन योर हार्ट वाव फास्ट पोजीशन डेथ ओके और जो आउटकम है जनवरी माह में वो क्या आएगा वो देख लेते हैं आउटकम द द ओके और बॉटम ऑफ ऑफ डेक पेज कप्स तो गाइज आपकी जनरल लाइफ कैसी भी हो लेकिन लव लाइफ के बारे में बता रही हूँ आप बहुत बड़े डिसीजन लेंगी और आपकी लव लाइफ कहीं ना कहीं बहुत सही रास्ते पे जाने वाली है गाइस तो सेंट्रल कार हमारे पास जो आया नाइन ऑफ पेंटिकल्स सबसे पहले मैं बता दूं कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी होगी आप जो जिन पार्टनर के लिए आप सोच रहे हैं वो हो सकता है कि आपसे बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा अबंडेंस आप मानते हैं उनके लिए कि उनके पास सब कुछ है वो मनी वाइज बहुत खूबसूरत हैं इस तरह की एनर्जी मैं यहाँ देख पा रही हूँ अपने पार्टनर को आप ये ऐसा सोचते हैं कि इससे जो मुझे खुशी मिलेगी वो कोई नहीं दे सकता जैसे कि हमारे पास ज़्यादा पैसे आते हैं या हम रिच हो जाते हैं तो बहुत खुशी महसूस करते हैं उसी तरह से ये कार्ड यहाँ पे कह रहा है कि आप अपने पार्टनर से एक ऐसी खुशी उनको मानते हैं जो कि आपको ज़िंदगी में कभी किसी ने नहीं दी दूसरा इस कार्ड का मतलब ये भी है गाइस कि आप अपनी लाइफ में अबंडेंस चाहते हैं खुशियाँ चाहते हैं अपने अपने लिए खुशियाँ चाहते हैं और कहीं ना कहीं उसके लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि अब मुझे खुशी चाहिए मैं दुख में और नहीं जी सकता मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है गाइस नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ इन योर माइंड आपका माइंड कह रहा है कि आपकी पार्टनर को आप कहीं भगा के ले जाएं आई एम सो सॉरी गाइस पर इस कार्ड का मतलब ये होता है कि आप दुखों से दूर जाना चाहते हैं आपके माइंड भी बहुत परेशान हो चुके हैं बाधाओं से और अपने पार्टनर को ले आप कहीं दूर ले जाना चाहते हैं उनकी उनको एक सेफ्टी सेफेस्ट प्लेस जो आता है जीवन में जहाँ पे शांति शांति अपने मन को चाहिए आप अपने पार्टनर को एक शांत जगह ले जाना चाहते हैं कहीं डेट पे ले जाना चाहते हैं मैं देख सकती हूँ कि यहाँ पे आपकी जो फीलिंग्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी हैं और सब प्रॉब्लम से दूर कहीं आप ले जाना चाहते हैं अपने आ, पार्टनर को ओके तो आपके माइंड में ये चीज़ें चल रही है बिहाइंड द सीन क्या करना चाहते हैं हम भाईस यानी कि आपके हार्ट में क्या है आपके हार्ट में है थ्री ऑफ कप्स बहुत ही फीलिंग्स अपनी पार्टनर के लिए लव फील करेंगी एक्चुअली ये सेलिब्रेशन का कार्ड होता है तो जैसा मैं कह रही हूँ कि आपकी जो पार्टनर आपको भगा के ले जाना चाहते हैं तो या यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि वो बहुत ज़्यादा आपसे एकांत में रहकर पीस चाहते हैं सेलिब्रेट करना चाहते हैं आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं वो खुशियाँ जो आप तक उन्होंने खो दी दी हैं वो वापस चाहते हैं आपसे कहीं ना कहीं उनके मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार उमड़ उमड़ के आ रहा है गाइज जी हाँ उनको आपसे बहुत सारी बातें करनी है मुझे लग रहा है कि वो आपको एक बहुत अच्छे वीकेंड पे या हॉलीडे पे ले जाना चाहते हैं या डेट पे ले जाना चाहते हैं और आपसे सारी बातें शेयर करके अपनी मन का जो दुखड़ा है वो आई एम सो सॉरी गाइज मन का जो मन की जो भड़ास होती है ना वो निकालना चाहते हैं कही कहीं ना कहीं ओके गाइज पास पोजिशन में हमारे पास डेथ का कार आएगा ये बताता है कि मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आया है मतलब मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आया है अंदरूनी मतलब आप जो अब तक बातों को जिस ढंग से सोच रहे थे वो बातें बहुत चेंज हो जाएगी आप में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है और कहीं ना कहीं आप किसी चीज़ को छोड़ के नई शुरुआत करने वाले हैं हो सकता है कि आपकी लव लाइफ में कोई और भी हो और आप उसे छोड़कर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं या ये भी हो सकता है कि आपने जो अब तक चीजें सोची है वो नए ढंग से सोचना शुरू कर दें ये एक इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि आपकी जो सोच है बिल्कुल बदल बदल देता है और एक तरह से ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके माइंड में होता है और जो जो चीज़ें अब तक आप जिस तरह से करते आए हैं उनको दूसरे रूप से करना शुरू करते हैं तो ये मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होता है और नई शुरुआत का कार्ड होता है कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ता है और नई शुरुआत को आगे बढ़ना पड़ता है तो कहीं ना कहीं आपके पास पोजिशन में आप ये कर चुके हैं मनी मत करने जा रहे हैं कुछ छोड़ रहे हैं और कुछ नई शुरुआत करने जा रहे हैं तो ये कार्ड हमें दो चीजें बता रहे हैं। और जो जनवरी का आउटकम हमारे पास आया है हैरोफेंट तो आउटकम हमारे पास जनवरी माह में है हैरोफेंट एक ऐसा पर्सन होता है जो रीति रिवाज परंपराओं इन सब को मानता है एक कमिटमेंट का कार्ड होता है आप जिनसे लव करते हैं आप उनको कमिटमेंट देना चाहते हैं और वो भी इस तरह से ताकि समाज आपको एक्सेप्ट करे उस पर्सन को एक्सेप्ट करे और जो भी रीति रिवाज के द्वारा जो चीज़ें होती हमारे समाज में या सोसाइटी में जो सोसाइटी जिसको मानती है उन चीज़ों को करना चाहते हैं और एक कमिटमेंट अपने पार्टनर को देना चाहते हैं कहीं ना कहीं मैं आपको देख रही हूँ कि इस इस सारे रिलेशन को सोच के कि आप किसी से कोई बहुत ही आपका नियरेस्ट है या कोई बहुत फ्रेंड है या कोई सलाहकार है उससे आप सलाह भी लेंगे और इस बारे में बहुत कुछ जानकारी लेना चाहते हैं और फिर आगे बढ़ के उनको कमिटमेंट देना चाहते हैं कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐसा है कि आ, आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है जो जिंदगी में वो एक नए मोड़ की और आपको ले जाएगा और एक नए रिलेशनशिप में आगे बढ़ेंगे आप और एक अपने पार्टनर को एक बहुत आ, अच्छा कमिटमेंट देना चाहेंगे जो कि लाइफ टाइम के लिए आपका होगा ठीक है गाइस और ओवरऑल एनर्जी में हमें ये बता रही है कि ए सॉफ़ पेज ऑफ कप्स का कार्ड है आप एक नई शुरुआत करना चाहते हैं और अपनी फीलिंग्स को अब एक्सप्रेस करेंगे आप हो सकता है ये पेज ऑफ कप्स ये भी बताते हैं कि आप अपने पार्टनर से एज डिफरेंस आप दोनों में है कि आपका पार्टनर आपसे एज में थोड़ा बड़ा है या फिर छोटा है इस तरह की एनर्जी में यहाँ देख पा रही हूँ इसके नेक्स्ट भी कार्ड विक्ट्री का कार्ड है सिक्स ऑफ एंट्स ओह वाह और इसके बाद भी देखिए गाइस Ace of Cups का कार्ड है ये विक्ट्री का कार्ड होता है सिक्स ऑफ पेंट्स तो आप जो भी सोच रहे हैं उसमें विक्ट्री मिलेगी आपको लेकिन स्ट्रगल भी बहुत है और ये सब कब्स ही बता रहे हैं कि आपको डेफिनेटली एक भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद आपको मिलेगा अपना प्यार आपको मिलेगा ठीक है गाइस तो ये आपकी लव रीडिंग हो गई अब हम देखेंगे कुछ मैसेजेस जो आपके पार्टनर आपको देना चाहते हैं ओके या आप अपने पार्टनर को देना चाहते वो मैसेजेस क्या हैं देख लेते गाइस बहुत होंगे मैंने फाइव कार्ड्स निकाले गाइस पढ़ते हैं क्या आते हैं क्या मैसेज है आपके उनके लिए या उनके आपके लिए सबसे पहले आई फील ब्यूटीफुल एंड स्पेशल वेन एवर आई एम विद यू वो अपने आप वो आप जब उनके साथ होते हैं तो अपने आप को ब्यूटीफुल और थोड़ा स्पेशल महसूस करते हैं आई इमेजिन अ हैप्पी फैमिली विथ ऑर चिल्ड्रन वाह तो आप बच्चों तक बात चली गई गाइस आपके साथ अपनी चिल्ड्रन भी देख रहे हो तो द मोर वी आर टूगेदर द मोर और लव ग्रो स्ट्रॉन्गर तो आप जितना उनके पास रहते हैं उनका जो लव है वो भी बढ़ता जाता है स्ट्रोंग बनता जाता है माई फाइनेंसेस आर नाट वेल गिव मी समाइम मोर ओ माई गॉड काइज़ उनकी जो फाइनेंशियल पोजीशन थोड़ी सुधर जाए उसके बाद आपके पास आने चाहते हैं एंड द लास्ट कार्ड इज़ ओके आई डोंट वॉन्ट द वे यू ट्रीट मी ओके तो कुछ बातें आपकी उनको ऐसी लगती है कि इस तरह से ट्रीट नहीं होनी चाहिए तो ये आपके कुछ मैसेजेज़ हैं उनके द्वारा आपको कुछ भी पसंद आते काज लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि आपका सपोर्ट मेरे चैनल को बहुत ज़रूरी है क्योंकि मेरा चैनल बिल्कुल न्यू है और और आप जानते ही कि हंड्रेड सब्सक्राइबर क्रॉस कर चुका है थैंक यू सो मच ऐसे ही लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रेडिंग में टिल दिन बाय बाय